पेट नहीं है, मेरा पेट नहीं है, क्या कर रहे हो तुम लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मेरा पेट नहीं है। गुड मॉर्निंग काना। नमस्ते कर ले काना, नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राशि डेडाज व्लॉग। कैसे हो आप सब? कैसे हो विराट? क्लास क्यों नहीं ले रहे? मैम का मैसेज आ गया, आज क्लास नहीं है। नहीं है, आज है सकट चौथ और आज हमारा फास्ट है और आज हम फास्ट करेंगे और पूरा ब्लॉग अपना दिखाएंगे आज के दिन का। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आज आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दो, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो हमारी। तो हम रेडी हो गए और सकट के वो तक के लिए आ गई हैं। अब तुमने हमें अच्छी शिक्षा दी है तो आज हम किसी कावेर में हो जाएंगे। बॉल निकली तुमने किया रो कहा आज वो जो आज वो नहीं आएंगे हम बाल खुले हैं क्या रो मवाई थे बाद हम मेरे जाने साल बदल गया सही लग रहा जब भी तू कहेगी जब यही दिखेगा बहु इतनी पढ़ी लिखी ऐसी है इतनी लंबी इतनी भारी ये ही होगा मेरी जैसी अच्छा और कह रही हाँ भाई कम पढ़ी लिखी है बताओ हम नौकरी ना करवा शादी कर रहे हो तो मोटरसाइकिल हंसती हुई आएगी शादी हो जाए नौकरी नहीं करवा चीनी दे दे कटोरी चावल चीनी आटा सब दे दे और कुछ नीचे तो बैठो ना जाम तो कुछ खेल लो सकट की है हम नीच में तो बेड पे कैसे करे बेड पे ना कहे बेड पे कहते ऊपर ही बैठो ऊपर ठंड हो रही है चाची आप वहाँ बैठ जाओ अम्मा की गल बैठ जाओ आजा तू यार देवर की थानी एक जगह हो जाओ युगा ये सुनन देगा जब तक ठीक है तू बैठे हो सोच पहले चलो चप्पल तो काट दो अरे तुम भी पूरी हो रही हो हाँ रिलैक्स ऐसी थी और अपने पल्ले में बांधोगी ठीक है अपने आप में ला लूंगी वही रात कहानी शुरू करो मेरा आशीर्वाद तो मैं दिया हूँ मैं रात है मैं झूठ नहीं बोलूंगी फिर चलो तेरा आशीर्वाद बनो रहा है हम पे भगवान कृपा करता रहे मेरे लिए वो भी कुछ नहीं कर रहे तुम्हारा खा रही हूँ मैं
हमारा ना सब अपने किस्मत खाओ। एक राजा था वहाँ के सात रानी, तो एक रानी पे प्यार करो जो मतलब एक रानी पे प्यार ना करो छह पे प्यार करे करो। तो वहाँ पर घोड़े के लिए और घोड़े के घुड़सार साफ करवाए करो। तो वो बेचारी उठ के और तो घोड़े के घुड़सार को जा रही और सुखड़ी सारी और तो इकट्ठी होकर शंकर देवता की वर्त सुन रही कहानी सुन रही। लट्टू खड़ी हो गई और कह रही कि वह तुम कहा कर रही हो ऐसे पागल तो जब पता चलो तो आगे चले जा रहा चले जा रहा। तो सब बोले कि भाई तुम लाइन लगा के क्यों खड़े हो इतने सारे क्या हम ही जो तू चल रहा है जिस राज में ये श्याप है और ये जंक मासा वक्त मार मारते हैं पत्थर के बना दे तो उल्टे ही ये तुम्हारे दे के तिल हमारे सरप के पेन पर सरप कोई गिर गया और भंगी झाड़ू लगा लगे क्या हमने सरप मार दिया सरप मार दिया सारा काम बोलो रे यार तो राजा की लड़की ले ली इरादा जो बहुत अच्छा रखा और घर गए थे एक आदमी ने वो लड़की बोली जो ज्यादा रंडी बने कराई वो भी उसे के कहे में कर दी ज्यादा कहे में कर दी और ले बाप अरे क्या बैंस बेटी क्या ले बाप बारी क्या बैंस बेटी अरे कि तुम वो तो बाप क्यों कह रही है क्या आँख खोल के देख मैं कौन हूँ जो भक्ति कर रही है उसने क्या आँख खोल कौन हूँ मैं क्या बेटा तू तो वही भक्ति कर रही वही है और तेरे इतना धन आयो कहाँ से तू बहुत गरीब आदमी है और ये कौन है आँख खोल। लड़की बोली मैं कौन हूँ बोल तेने मैं रंडी बनाई कह रहा हूँ बेटी मुझे माफ करो मैं तो तुम्हारे चमत्कार थे और मैं तो हार मान गो मुझे कभी राजा ना बनाओ तुम कोई राजा बनाओ अपनों भी देखो भगवान ने कहा चले तू कंगाल बन और बन जा सब कुछ इनको ही है ऐ तो क्या हो कहानी पियो पानी की बाजे बाजे में इतनी अकल हो और जब तक नहीं सारे बना के खा लेंगे तुम्हारे लो खराब करता है मेरा फोन।
राइट। हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारा फास्ट। मैं पी रही हूँ नारियल पानी, दीदी सो रही है पीछे। अभी बनाएंगे हम चाय। तो गाइज़ ये सकट का फास्ट भी होई की जैसे होता है, इसमें खा पी लेते हैं। तो अभी फ्रूट्स वगैरह आए थे दिन में, हमने खा पी ली। एक बार कॉफ़ी भी पी ली थी जब चाय शकरगंदी ली थी, और अब शाम की चाय पियेंगे। बीच में मैंने नारियल पानी भी पी लिया, इतना मैं चाय बनाऊंगी। और फ्रूट्स वगैरह को अच्छे से मैं धोने के लिए रख दूंगी। आपके यहाँ पर कभी भी फ्रूट्स वगैरह आते हैं तो आप उनको नमक के पानी में और साथ में उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल के रख सकते हैं सोख करके। हल्का ल्यूक वार्म वाटर लीजिए और मतलब थोड़ा सा निवाया पानी, उनको पहले अच्छे से धो लीजिए। फिर उसमें नमक और थोड़ा सिरका ऐड करके रख दीजिए उन्हें थोड़ी देर के लिए। तो इससे जो भी इसमें गंदगी होती है या पेस्चराइज वगैरह मिले होते हैं वो सब निकल जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी हद तक इसकी गंदगी वगैरह निकल जाती है। और अभी इसको निकालने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी गंदगी इनमें से निकली है। थोड़ी देर आप इनको सोख करके रख दीजिए। तो नमक के पानी में भी आप सिंपल रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, तो सारी गंदगी वगैरह सब निकल जाती है इससे। तो यहाँ इतने मेरी चाय बनी, और चाय बनने के बाद चाय पी के उतनी देर मैंने आधे घंटे के लिए रखे थे, उसके बाद इनको निकाल के नॉर्मल वाटर से वॉश करके फिर इनको रख दिया। तो ये देखिए कि इनमें फ्रूट्स में से कितनी सारी गंदगी निकली है, पानी भी एकदम गंदा गंदा सा हो गया है। और इसके बाद ही एकदम फ्रेश फ्रेश हो गए थे काफ़ी अच्छे। मैंने फिर इनको थोड़े से गर्म पानी में फिर से रख दिया ताकि सॉल्ट वगैरह जो भी इन पे लगा है सब निकल जाए। तो अब बना रहे हैं रात के खाने की तैयारी कर रहे हैं आज फास्ट। तो आज बनाएंगे तिलकुट। तिलकुट तो इसमें खास होते ही हैं, तिल तो बनता ही है कुछ भी, तिल की कोई डिश मतलब कुछ भी स्वीट या कुछ भी बनाना है तिल का। तो सबसे पहले तिलकुट बनेंगे। यहाँ पे तिल को हमने रोस्ट कर लिया है कढ़ाई में, और इसको मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड करके उसमें बूरा ऐड कर देंगे बस। ये तो ये रेडी है। और आलू का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं कचौरी के लिए, साथ में मैं जीरा वगैरह भून रही हूँ। रायते के लिए चटनी बनाई है, तो आज है कचौड़ी, रायता, चटनी, तिलकुट। तो ये है धनिया की चटनी। इसमें डाला है धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, नींबू, दही, काला नमक, सफ़ेद नमक और जीरा। ले टेस्ट कर देख। ओ गिरे, क्या हो रहा है? ले टेस्ट कर, इतना ऊंचा ले ले इतना भी मंद बुद्धि ना, इतना तुम मां समझ रहे खाने की महक आ गई, खाने की महक बैठा को इतना। तो मीठे में बन रहे हैं पूड़ा। यहाँ आटे में चीनी घोल ली है, उसमें डाला है हमने केसर, नारियल का बुरादा, थोड़ी सी सौंफ और किशमिश। इनको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा दूध डालेंगे इसमें, थोड़ा सा ऐड करेंगे और उसके बाद इनको उतार देंगे। इसके बाद ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। बस इसका पतला घोल, पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक रखना है जिससे कि ये अच्छे से फूले फूले बने, चिपके ना आपस में।
तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और डिलीशियस बने थे, क्योंकि इनमें कुछ हमने फ्लेवर भी ऐड किए हैं, जैसे कि केसर, किशमिश, सौंफ, नारियल, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आया इसमें। आप इस तरह से इनमें थोड़े बहुत अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड करके बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं ये। जिस दिन घर क्या तैयार रूस राइस का खाना पीना छोड़ूं, उस दिन घर के मटर पनीर बना ले हैं। सो फाइनली चांद निकल गया 10 बजे, हम जा रहे हैं ऊपर छत पे फास्ट खोल रहे, भूख से बहुत बुरी हालत हो गई। हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है, करवा चौथ पे भी लेट निकला था, अब सकट पे भी लेट निकला है, सर्दियों में, और आज बारिश का मौसम दिखा रखा ना, शायद इस वजह से वेदर थोड़ा खराब हो रखा है। चलते हैं ऊपर। मीका चलो चलो, तो गाइज हमें चांद दिखाई नहीं, इतने हम ऊपर आए, वो वापस से बादलों में छिप गया, फिर काफ़ी देर हम खड़े रहे, उसके बाद दिखाई दिया थोड़ी सी झलक, हमने फिर फटाफट से फास्ट खोला और नीचे आके अपना अपना खाना वाना खाया। नहीं देखो अब भी तो चलिए गाइस करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। कैसा लगा ब्लॉग, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।